सो दोस्तों, Redmi Smart Band Pro पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है और इस महीने Redmi Band को भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। सो लॉन्च से पहले इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में देखना तो बनता है। सो इस वाली वीडियो में पूरी डिटेल लेके आया हूँ मैं Redmi के Smart Band Pro को लेकर, इसकी लॉन्च डेट वगैरह के बारे में, स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सो Redmi Watch 2 Lite और Redmi Smart Band Pro को पिछले महीने, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहां लीक्स एंड रूमर्स की, तो Xiaomi का सब ब्रांड Redmi जल्द ही अपनी Redmi Smart Band Pro को इंडियन मार्केट के अंदर में लॉन्च कर सकता है और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ, एंड फिलहाल के लिए Redmi Smart Band Pro की जो लॉन्च डेट है उसके लिए कोई भी ऑफिशियल अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि इस बैंड को Redmi Note 11T 5G स्मार्टफोन के साथ में 30 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। सो Redmi Watch Band Pro पिछले साल आए ओरिजिनल Redmi Smart ब्रांड का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है और मार्केट में ये बैंड Huawei Watch Fit और Samsung Galaxy Fit जैसे फिटनेस ट्रैकर को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाला है। सो अभी हम लोग बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। सो यहां पर Redmi Smart Band Pro आता है 1.47 इंच के एक AMOLED टच डिस्प्ले के साथ में, जहां पर कि आपको 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, तो डेफिनेटली जो क्वालिटी है डिस्प्ले की काफी बढ़िया निकल कर आने वाली है। साथ ही में यहाँ पर जो आपको ब्राइटनेस मिलती है 450 निट्स की, जिसकी मदद से यार यहाँ पर जो आउटडोर में आप इसको आराम से देख पाएंगे, विजिबल होने वाला है, काफी क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप बैटरी लाइफ की बात करूं तो 200mAh की बैटरी इस बैंड में जान फूंकने का काम करती है। जी हाँ, और यार ये दावा किया जा रहा है कि Redmi Smart Band Pro 14 दिनों तक चलेगा अगर आप टिपिकल यूजेस करते हैं तो, और अगर आप पावर सेविंग मोड ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 20 डेज का बैकअप देखने को मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गाइज। और यहाँ पर वैसे भी बात हो रही है स्मार्ट बैंड की, तो 20 डेज का मतलब बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलने वाली है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर ये बैंड एंड्रॉइड 6.0 और एप्पल आईफोन में iOS 10 के ऊपर के वर्जन के साथ में चलने वाला है। कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो इस वाली बैंड में आपको लाइट सेंसर, 6 एक्सिस सेंसर और PPG हार्ट रेट सेंसर के साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और बता दें, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जो बैंड है 5 ATM वाटरप्रूफिंग सर्टिफाइड रेटिंग के साथ में आता है। वेल, अभी अगर मैं बात करता हूँ इसके हेल्थ के फीचर के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वाली बैंड में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही में ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और स्लीप क्वालिटी ट्रैकिंग जैसे बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। वेल, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वर्कआउट मोड्स में आपको आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, आउटडोर वर्किंग और आउटडोर साइकिलिंग जैसे वर्कआउट मोड्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में Redmi Smart Band Pro खुद ब खुद 3 फिटनेस मोड्स, आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल और आउटडोर वॉकिंग को डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा, वो बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंट्रोल पावर की अगर हम बात करूं तो इस बैंड की मदद से आप लोग म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही में इस बैंड पर आपको नोटिफिकेशन अलर्ट, इनकमिंग कॉल्स के अलर्ट, टाइमर, अलार्म, स्टॉपवॉच जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो मेरे भाइयों, इतने सारे पावर पैक्ड फीचर के साथ में आता है ये Redmi का Smart Band Pro, एंड आप इसके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो यार, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, मैं आपके कमेंट सेक्शन का पूरे बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ यार, प्लीज़ से। एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक कुछ भी यहाँ पर रिवील नहीं किया गया इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ यार, जिससे कि ऐसी रेगुलर अपडेट्स आती रहें आपके पास। मैं बोलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।